Ladies and gentlemen, मैं आपका होस्ट सचिन कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वल आज की शाम हम आपको लेकर चलते हैं बीती हुई सदी की एक कहानी में, तो तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए। मैं भारत भूमि हूं, मैं जन्म भूमि भी हूं, उन शूर वीरों की जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा, पृथ्वीराज चौहान से लेकर राणा प्रताप, वीर शिवाजी से लेकर सम्राट अशोक, सब वीरों की कहानियां हमेशा से लोग सुनते सुनाते आए हैं। लेकिन क्यों हमेशा मेरे वीर पुत्रों की कहानियां ही याद रखी गई, या फिर उन स्त्रियों की जिन्होंने सिंहासन संभाला? लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिनके त्याग और समर्पण के बिना इतिहास रचने वाला हर वीर अधूरा था, उसकी शक्ति, उसकी वीरता अधूरी थी। ऐसी ही एक स्त्री थी, नंदिनी, जिसका नाम जुड़ा भारत के सबसे बड़े सम्राट से, लेकिन उस सम्राट के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली थी स्वयं नंदिनी, मगधराज महानंद की पुत्री नंदिनी। आज हमारा विवाह हुआ है भारतवर्ष के सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से। सब समझते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने महान सम्राट हमारे जीवन साथी बनने वाले हैं, हमारे नाथ बनने जा रहे हैं। किंतु कोई ये नहीं जानता कि इसी सम्राट ने मुझे अनाथ बनाया है, हमारे पिता और आठों भाइयों का वध करके। सब समझते हैं कि आज हमारे जीवन का नया आरंभ हो रहा है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि ये आरंभ चंद्रगुप्त के अंत के लिए है। प्रेम पाने के लिए नहीं, ये विवाह हमने किया है प्रतिशोध के लिए, सिर्फ प्रतिशोध के लिए। कहते हैं कि माता पिता के कर्मों का ऋण उनकी संतान को चुकाना पड़ता है। ठीक उसी तरह नंद के कर्मों का ऋण उसकी बेटी चुकाएगी। भले ही हम दोनों जीवन साथी हों, लेकिन संसार में सबसे अधिक घृणा मैं नंदिनी से करता हूं, क्योंकि उसके पिता ने वर्षों तक मेरी मां को काल कोठरी में रखा, उसे बन पर तड़पाया, और मैं उसे आजीवन कारावास दूंगा। इसीलिए मैंने उसे विवाह किया। अक्सर
विवाह की प्रथम रात्रि पर एक पति अपनी पत्नी को उपहार देता है, तो इस अनोखे और विचित्र ग्रह पर एक अनोखा और विचित्र उपहार मैं भी दूंगा उसे। उसे सोने या हीरों का हार नहीं, तुम्हारी अंतिम रात है। तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, तुम हाथों को मेरे रंग से रंगना चाहती हो। जिसने हमारे पिता और हमारे भाइयों का वध किया उसका रक्त बहाने में कैसी लज्जा। मुझे प्रतिशोध चाहिए चंद्रगुप्त। प्रतिशोध मैंने लिया है तुमसे, तुम्हारे पिता और तुम्हारे आठों भाइयों का वध कर और अब तुमसे विवाह किया ताकि तुम्हें पल पल कर पा सकूं, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे पिता ने मेरी मां को जीवन भर पल पल कर पाया। विचित्र बंधन है ना हमारा, जहां तुम्हें मेरी लंबी आयु की कामना करनी चाहिए वहीं तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो। देखते हैं कि कौन किसे मृत करता है और कौन किसका जीवन मृत्यु से भी बेहतर करता है। ये तो आने वाला समय बताएगा चंद्रगुप्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप स्वागत कीजिए उस शख्स का जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी को ये अद्भुत रूप दिया है, द वन एंड ओनली एकता कपूर। स्वागत है आपका मैम, और बहुत बहुत बधाई आपके इस नए शो चंद्र नंदिनी जो जल्द ही स्टार प्लस पर 10 अक्टूबर से शाम 8:30 बजे होगा। इस कहानी के तीन और अहम किरदार हैं जिन्हें मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा। स्वागत कीजिए राजा पद्मानंद, और चाणक्य। मैं मीडिया को हमारे सारे किरदारों से रूबरू करवाता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभा रहे हैं रजत टोकर्स, नंदिनी का किरदार निभा रही हैं श्वेता वासु प्रसाद, मूरा का किरदार निभा रही हैं पापिया सेन गुप्ता, राजा पद्मानंद का किरदार निभा रहे हैं अर्पित रंका, और चाणक्य का किरदार निभा रहे हैं मनोज कोल्हटकर।
पूरी टीम को बधाई आपके इस नए शो के लिए। एकता जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमें इस शो के बारे में प्लीज कुछ बताइए। एक्चुअली बहुत जोधा अकबर के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि क्विकली मेक अ नाइस माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बिकॉज आपको वो स्पेस थोड़ा पता है। सर एक्चुअली नहीं, बट आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द स्पेस। मैंने एक साल लगा दिया, बहुत चीज पे काम किया, कुछ रेजोनेट नहीं हुआ मेरे कहीं ना कहीं मेरे क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ के साथ। और फिर आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू टेल इट स्टोरी ऑफ इंडिया। हमारा जो देश है वो एक टाइम पे सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, और दिस इज प्री द इन्वेजन विच आई ऑल्सो कॉल लाइक अ टेररिस्ट अटैक ऑफ द फॉरनर्स दैट केम इन टू इंडिया। वॉट इंडिया वॉज एंड हाउ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य हेल्प्ड विन बैक at least for a couple of centuries the glory. So this is actually a story about this great nation, the mother, the woman, the female form of India. I mean, India is female in form, Bharat in Hindi we get them. But it's also about what we think of Mother India and how we conceived her at that time and how her relationship with Chandragupta grew with every era and how history was written. Then I saw this little piece in history which didn't find place, that Chandragupta as a political married Henrana and one daughter that Padmanand had, which was, her name was Nandini or Kalyani, and there are many names to her. I said, we've always had kings and we've had queens jinki stories humne suni hai jo war pe gayi hai, but Rani jo ek Rani bhi hoti hai, उसका उस किंग के साइकी पे कितना इफेक्ट होता है, स्पेशली इफ शी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज लाइफ, वो हमने कभी नहीं देखा। सो आई कुड हैव बी डिसाइडेड, इट वाज गौरव्स आइडिया एक्चुअली, टू से नॉट टू कॉल इट ओनली चंद्रगुप्त मौर्य, बिकॉज व्हेन अ किंग एक्सेल्ड दिस वे देयर वाज अ वुमन बिहाइंड हिम और विद हिम बाय हिज साइड, सो द शो वाज कॉल्ड चंद्रनंदिनी। एंड ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, जिसका नाम है चाणक्य। और चाणक्य की फिजिकैलिटी से ज़्यादा उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी सेंसिबिलिटीज़ इतनी इंटरेस्टिंग थी। उसके इंटेलेक्ट के बारे में हमने सबने सुना है, उसकी नीतियों के बारे में हमने सुना है, वो कैसे थे, कैसे रहते थे, उनके रहन सहन और उनकी सोच के बारे में बहुत कम पता है। तो आई होप दिस शो ब्रिंग्स अबाउट and brings to light the most prolific characters of history, Chanakya. So I'm hoping that be it mentor prodigy Chanakya Chandragupta, be it two people who were forced into a marriage because of a political alliance, that's Chandranandini, be it a woman who loses everything to a man and then finds love with that man only, to Chandragupta who decides to win back his country's old name and fame. It's a tribute to various roles people play today, found in characters at that time. Chandragupta is a leader I hope our country has one day. Thank you so much, ma'am, for bringing history.